I am K K Bhatt from University of Champawa. So now let's start today our topic in quadratic equation chapter, जिसको हिंदी में द्विघात समीकरण बोलते हैं. हमें ये पता करना है कि check whether the following are quadratic equation. जांच कीजिए क्या नीचे दी गई समीकरण है ये द्विघात समीकरण है या नहीं है. इसका सीधा साधा फंडा मैं आपको बता देता हूँ. यदि सबसे बड़ी पावर दो आती है क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद, यानी कि a does not equal zero होता है, तब आप कहेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यदि दो पावर नहीं आती है तो इसका मतलब नहीं है. सीधा सा तरीका है. अब सीधा सा तरीका सॉल्व करने का क्या है, हम इसको सॉल्व करेंगे तो उसके लिए जो है x cube, जैसे जो हमारा पहला है, देखिए x cube minus 4x square minus x plus 1, all are the unlike terms. सब अलग अलग टर्म है, कोई सॉल्व नहीं होगा. तो नहीं होगा तो इधर इसको देखिए कौन से फॉर्म में है. नाउ यू टेल x minus 2 whole cube means which identity you see है, कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पे यूज हो रही है. a minus b है, good, a minus b whole cube, क्योंकि दोनों का होल क्यूब है, बीच में माइनस है, तो हमारे पास होल क्यूब की केवल जो है चार आइडेंटिटी होगी. तो नहीं, होल क्यूब की दो आइडेंटिटी होगी, a माइनस बी होल क्यूब एंड a प्लस बी होल क्यूब. तो इसकी आइडेंटिटी हम सबसे पहले लिखेंगे, तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर. अब क्या करने जाएगी, पहले वाले को a मानिए, दूसरे वाले को b मानिए और फॉर्मूले में पुट कर दीजिए. तो इसी तरह को हम रख रहे हैं a क्यूब, a क्यूब का मतलब x होल क्यूब and minus b cube 2 whole cube minus 3 into a square x whole square into b means 2 or plus 3 into a means x into b means 2 whole square. So now you solve it, x cube minus 4x square minus x plus 1 x whole cube x cube 2 whole cube a minus 3 to the 6x square plus 2 square 4, 4 3 का 12x, then now solve कर देंगे. देखिए अब x cube minus 4x square minus x plus 1, इसको इधर ले आए, minus x cube plus 8, सारे साइड चेंज हो जाएंगे ना, plus 6x square minus 12x will be equal to 0. अब हमने हटा दिया, अब solve कीजिए गाइस, x cube plus का x cube minus का कैंसिल, x square वाले देखिए माइनस फोर एक्स स्क्वायर ये प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर ये, एक माइनस का एक प्लस का तो क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा. वेरी गुड, तो कितना आएगा, टू एक्स स्क्वायर आएगा, प्लस ना आएगा क्योंकि बड़े के आगे प्लस साइन है. माइनस का वन एक्स, माइनस का टू एक्स, तो माइनस के कितने एक्स हो गए, 13x हो गया. वेरी गुड, अब उसके बाद कॉन्स्टेंट हम देखें, प्लस वन प्लस एट प्लस नाइन, तो प्लस नाइन विल बी इक्वल टू जीरो. बस जो मैंने शुरू में कहा था उसको चेक कीजिए, क्या कहा था मैंने, सबसे बड़ी घात कितनी आ रही है, दो आ रही है कि नहीं आ रही है, आई वेरी गुड, a does not equal zero. तो इसका मतलब और बिना कुछ देखे आप कह दीजिए कि दिस इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी कि यस इट इज द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो गाइस मुझे लगता है कि मैथ्स को यदि आपको आसान तरीके से सीखना है तो हमारी वीडियो को अवश्य देखें और हमारे चैनल को जो है आप अवश्य सब्सक्राइब करें. सो थैंक यू.